नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम की सलूशन के लिए। हमारे एक कॉलर है, उन्होंने मुझे कॉल किया है। कॉलर का नाम है और सब्सक्राइबर व्यूअर है, मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, मुझसे क्लासेस लेते रहते हैं। उनका नाम है पवन कुलकर्णी। जी हाँ, पवन कुलकर्णी ने मुझसे एक सवाल पूछा हुआ है। तो क्या सवाल पूछा उन्होंने? उनके पास एक डेटा है और उनमें डेट या टाइम कही है, डेट सिर्फ टाइम ही किया, ये टाइम दिया हुआ है। वो चाहते हैं कि अब जो सिस्टम टाइम है 12, राइट? तो 12:35 से पहले की जितने भी टाइम्स हैं वो सारे टाइम हाईलाइट हो जाए, कलर हो जाए। जी हाँ, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो उस तरह से हाईलाइट होता रहा है। तो कैसे करेंगे इसको? चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में हम बोलते हैं लेस देन, या फिर मोर रूल्स में चले आइए, लेस देन इक्वल टू। और यहाँ पे हम देंगे, बात यह कि टाइम जो है सिर्फ टाइम नहीं निकाल सकते। अगर आप मान लीजिए कि अगर नाउ करते हैं तो डेट एंड टाइम दोनों आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मोड का, मोड में देंगे नाउ, और नाउ में नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ हम कॉमा 1 दे देंगे, यानी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर, और यहां पे हम इसको ब्रैकेट भी कर देते हैं। अभी क्या हुआ हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, पहले हम इस पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो नाउ क्या करता है? नाउ करता है कि आपको डेट एंड टाइम, नाउ फॉर्मूला डेट एंड टाइम का फॉर्मूला आपको यहां पे देते हैं। जी हाँ, नाउ फॉर्मूला डेट एंड टाइम देता है। तो अगर इसको अगर हम नंबर फॉर्मेट में ले जाएं, तो नंबर फॉर्मेट में जनरल बनाए तो आपको नंबर्स एंड पॉइंट्स दिखेगा। जो नंबर है इट्स डेट, और जो टाइम है ये हमारा जो वैल्यू है टाइम, हम सॉरी डेसिमल टाइम है, और नंबर हमारा डेट है। मुझे इसमें से सिर्फ डेसिमल को अलग करना। तो मोड का काम है रिमाइंडर सेल्स को अलग करना। जैसे मान लीजिए कि मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया, सेल्स पर 2 आएगा ना, 5 × 10 और 2 सेल्स बचेंगे, सेल्स पर 2 आएगा। तो इसी चीज को हम यहां करते हैं कि मोड का फॉर्मूला हम यहां पे लगाते हैं, और मोड फॉर्मूला में देते हैं यहां पे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टाइम है, डेट एंड टाइम है, उसमें हम 1 से डिवाइड करते हैं। तो जब वंस किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो सेल्सफल 0 आता है। अगर सेल नंबर डेसिमल में है तो सेल्सफल आपका डेसिमल आएगा। तो यहाँ डेसिमल क्योंकि टाइम आया। सेम चीज हमने यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगा रखा है। हमने पूरे डेट को सिलेक्ट किया और लेस देन में हमने वो लेस देन इक्वल टू हमने बोला कि जो मोड है और नाउ कॉमा 1, तो सेल्स ये सिर्फ टाइम अलग करेगा, और इससे जो नीचे वाला डेट टाइम होगा वो उसको हाईलाइट। अब वो डेट एंड टाइम, अगर इससे मान लीजिए टाइम है, अगर डेट एंड टाइम दोनों हुआ तो आपको नाउ मोड लगाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट नाउ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू नाउ कर सकते हैं। तो पवन प्रवीण कुलकर्णी जी का सवाल था, और आशा है कि पवन कुलकर्णी जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। आप लोगों के पास भी कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो मुझे कॉल या मेल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू।